सर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी सिनेमैटिक आइडिया। तो यहाँ पे मैंने आईफोन 12 को परचेज़ किया है स्पेशली व्लॉगिंग के लिए और सिनेमैटिक वीडियोस के लिए, मोबाइल से जो बनाते हैं हम। और मेरे पास ऑलरेडी दो फोन से, वन प्लस और ओप्पो का, तो मैंने सोचा क्यों ना आईफोन लिया जाए। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि आपको आईफोन 12 क्यों लेना चाहिए, ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्यों है और इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो इसके कैमरा को खास बनाते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आईफोन का जो कैमरा है वीडियो के डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कि मैंने इस फोन को क्यों परचेज किया, आईफोन 12 को। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 12 के फ्रंट कैमरा के बारे में। अब जैसा कि मोस्टली हम फ्रंट कैमरा से ही व्लॉगिंग करते हैं, तो फ्रंट कैमरा हमारा अच्छा होना चाहिए। और फ्रंट कैमरा के अंदर इसके अंदर कमाल के फीचर्स हैं, जो कि आप 4K पे भी 60 FPS वीडियो को शूट कर सकते हो और 1080p पे 60 FPS को यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आप 60 FPS पे फ्रंट कैमरा से भी व्लॉग कर सकते हो, सिनेमैटिक वीडियो जो भी आपने बनाना बना सकते हो। और अभी आप जो भी वीडियोग्राफी देखेंगे वो मैं आईफोन 12 से शूट करने वाला हूँ कि इसका फ्रंट कैमरा कैसे काम करता है। तो जैसा कि मौसम काफ़ी अच्छा है तो आपको फ्रंट कैमरा अच्छे से पता लग जाएगा कि फ्रंट कैमरा कैसे काम करता है आईफोन 12 का। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके फ्रंट कैमरा के अंदर आ चुका हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और फ्रंट कैमरा भाई बहुत ही गजब काम करता है इसका, और व्लॉगिंग करनी हो तो बहुत ही बढ़िया कैमरा है। और आपको पता लग रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ आईफोन 12 के अंदर ही। और सबसे पहले जो इसका माइक है वो इनबिल्ट माइक है, मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और वो जो फ़ोन है ओप्पो वाला, वो यहाँ पे उसके ऊपर माइक लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ वीडियो मोड के अंदर, ठीक है। अब वीडियो मोड के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसके ऊपर आईफोन की कैमरा सेटिंग्स के ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। ये जस्ट मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ कि जौन से बंदे आईफोन पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वो आईफोन मतलब कि अपना पहला आईफोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कौन सा रहेगा जिसके अंदर वो सारा का सारा काम कर पाएँ, व्लॉगिंग कर पाएँ, सिनेमैटिक वीडियोस बना पाएँ और एडिटिंग भी कर पाएँ बिल्कुल कंप्यूटर लेवल की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा फुल HD, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4K का भी हमारे पास सपोर्ट है। जैसा कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि मेरे पास आईफोन 12 है और इसका इनबिल्ट माइक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फुल HD को सेलेक्ट करूँगा और ऊपर जाऊँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 60 FPS। तो सबसे पहले जैसा कि मेरी सारी की सारी वीडियोज़ में होता है कि फोकस और एक्सपोजर को लॉक करो मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं करूँगा फोकस और एक्सपोजर को लॉक और हल्का सा सेट करूँगा, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ और आप इसका माइक भी देख लो कि माइक कैसे काम करता है, फ्रंट कैमरा व्लॉग्स के अंदर कैसे काम करेगा, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। सो दोस्तों, अभी मैं आईफोन 12 का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ और इनबिल्ट माइक इसी का ही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसका फ्रंट कैमरा काम करता है। भाई बहुत अच्छा कैमरा है आईफोन 12 का। अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन परचेज कर रहे हो फ्लैगशिप लेवल का, तो आईफोन 12 बेस्ट है, मतलब कि अच्छी प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है। मेरे पास जो वर्जन है वो 128 GB का वर्जन है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पीछे एटमॉस्फेयर है, सब कुछ डिटेल में दिखा रहा है, जैसा कि एक प्रोफेशनल कैमरा होता है हमारा सोनी का, वैसे रिजल्ट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से भागता हूँ और आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि इसकी इमेज स्टेबलेशन कैसे काम करती है। ये जस्ट रिव्यू है, हम सबको ही पता है कि आईफोन का जो कैमरा होता है वीडियो के डिपार्टमेंट वो अच्छा होता ही होता है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा भागता हूँ और भागते भागते थोड़ा सा व्लॉग करता हूँ और ये आपको चेक हो जाएगा कि फुल HD पे 60 FPS पे कैसे काम करता है इसका फ्रंट कैमरा, ओके। और मेरा फ़ोन वहाँ पे रह गया क्योंकि मम्मी वहाँ पे वीडियो बना रही है और ओप्पो वाला फ़ोन वहाँ पे रह गया, ठीक है। एक बार फिर भाग लेते हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि इसका फ्रंट कैमरे के अंदर माइक कैसे काम करता है और फ्रंट कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। और मुझे बताना है कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है इस फ़ोन की, कि आपको माइक यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। पर इसके साथ आपको माइक की या गिम्बल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फ्रंट कैमरा। तो रियर कैमरा के अंदर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का यूज़ कर रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा कि पीछे जो बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर जो स्काई है, मेरा फेस और कैसा आ रहा है सब कुछ, टेक्सचर वगैरह बहुत ही कमाल का, मतलब कि टेक्सचर आता है। तो इसके अंदर अगेन मैं आपको बोलता हूँ गिम्बल की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भागते भी हो तो, अगर मैं यहाँ से थोड़ा भाग के आपको दिखाता हूँ, तो रियर कैमरा से मैं थोड़ा भाग रहा हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे इसका रियर कैमरा काम करता है। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं पूरा हिला रहा हूँ फ़ोन को कि आपको प्रॉपर पता लग जाए कि इसका कैमरा कैसे काम करता है। सो क्या होता है ना कि वाइड एंगल लेंस से बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर वीडियो के अंदर वो क्लैरिटी ख़त्म कर देता है वाइड एंगल लेंस, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि टेक्सचर्स जो मेरा फेस है और जो भी आपको आसपास इन्वायरमेंट दिख रहा है उसकी जो क्वालिटी है कितनी अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक डिजिटल कैमरा का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि DSLR का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो गया आईफोन 12 का। अब यहाँ पे मोस्टली सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं जो कि सभी फ़ोन्स के अंदर होते हैं, पर इसके अंदर क्या है कि इसका जो कैमरा है बहुत ही कमाल का काम करता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने बिल्डिंग्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, अब जो वहाँ पे एग्जैक्टली जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, वो सेम मुझे कैमरा में दिख रही है। अब यहाँ से जैसे ही मैं वाइड एंगल को स्विच करूँगा, मतलब वाइड एंगल लेंस पर जाऊँगा, तो भाई यहाँ पर बनता है सिनेमैटिक पूरा,
बहुत ही कमाल का व्यू आता है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर, ठीक है, बहुत ही कमाल का हमारा वीडियो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो को, वो इसके इनबिल्ट माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि इसका इनबिल्ट माइक कैसे काम करता है, ठीक है। तो रियर कैमरा के अंदर भी आपको 4K का सपोर्ट मिल जाता है, 4K 60fps तक आप कर सकते हो, पर उसके लिए आपको एक हायर सेटिंग्स करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे फुल HD, वो यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 60fps, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक हट टच छोटी सी, ठीक है, और यहाँ से एक सिनेमैटिक सीन लेकर देखते हैं आईफोन 12 से, छोटा सा सिनेमैटिक सीन लेंगे। और पीछे भाई बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है तो मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से हम शॉट लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वाइड एंगल लेंस को, और वाइड एंगल लेंस को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं आता हूँ यहाँ पे, ओके। आई होप कि आपको वहाँ पे भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आके सिंपली मैं अपना फोकस एक्सपोजर लॉक करूँगा, ठीक है जी। और यहाँ से मैं बनाता हूँ वीडियो को ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके रियर कैमरा से वाइड एंगल लेंस को यूज़ किया है, और आप शॉट देख के बताओ कितना कमाल का शॉट आया। और ये फ़ोन एक और रीज़न की वजह से मैंने परचेज़ किया, वो रीज़न ये है कि ये आप मतलब कि ना इसके अंदर वाइड एंगल लेंस से भी मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करके 60fps वीडियो को शूट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम चलते हैं रियर कैमरा के अंदर, और पीछे भाई बादल बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो फटाफट भाई वीडियो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को, जो उनसे आपको दिख रहा है 1x, उसको आपने सेलेक्ट करना है और आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आ जाएगा, ठीक है यार। सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगता है लेंस। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे पास 30fps का ऑप्शन है फुल HD में, और यहाँ पे मुझे मिलता है 60fps का ऑप्शन। तो भाई 60fps पे भी आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को यूज़ करके बहुत ही कमाल का स्लो मोशन कर सकते हो, जो कि आपके रील्स में भी काम आ सकता है। तो ये भी मेरा एक रीज़न था कि मैं इस फ़ोन को परचेज़ करूँ, क्योंकि मोस्टली फ़ोन्स के अंदर जो सा मेरे पास यहाँ पे फ़ोन है ओप्पो रेनो 5 प्रो, उसके अंदर क्या था कि मैं सिर्फ 60fps को नॉर्मल लेंस पे यूज़ कर सकता था। मतलब कि मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है पूरी की पूरी क्रिएटिविटी करने की, क्योंकि मेरे ओप्पो वाले फ़ोन में वाइड एंगल लेंस के अंदर 60fps का मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था। अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक आपको सैंपल दिखाता हूँ, अब रियर कैमरा की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो स्लो मोशन है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई स्लो मोशन बहुत ही कमाल का इसका होता है, और स्लो मोशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। और यहाँ पे बहुत सारा पानी है तो यार देखो मेरे सारे शूज़ ख़राब हो गए, तो मेरे को फटाफट जाना पड़ेगा क्योंकि शूज़ वगैरह गीले हो गए हैं, तो बारिश जल्दी आने वाली है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है फुल HD 120fps पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से आपको एक स्लो मोशन का सैंपल शेयर करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कई फ़ोन्स के अंदर जब हम स्लो मोशन से ना वीडियो बनाते हैं तो उसके बाद ना वीडियो फट जाती है, अजीब से पिक्सल्स आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है और बहुत ही कमाल का हमारा वीडियो निकल के आता है स्लो मोशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आईफोन की मिनिमम मेमोरी कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि 64GB वाला वेरिएंट ले लेते हैं, पर उसमें क्या होता है ना कि मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती हमें। तो आपको कम से कम 128GB वाला मतलब कि 128GB वाला आईफोन लेना है, मतलब कि आपने काफ़ी कुछ करना होगा उसके अंदर, फोटोज़ भी लेनी है, वीडियोज़ भी बनानी है, और आपने एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि एडिटिंग का काम भी आईफोन के अंदर हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको मिनिमम 128GB वाला वर्जन ही आपने लेना आईफोन का, आपको आसानी हो जाएगी डाटा सेव करने में, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ सैंपल्स आपको और शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखाता हूँ वीडियो की, कि वीडियो के अंदर बिना गिम्बल के ये कैसे परफॉर्म करता है। तो चलिए उसके कुछ सैंपल्स आपसे शेयर करता हूँ।
सो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो कि आपको मैं थोड़ा थोड़ा मेन बता सकूं कि स्टेबिलिटी कैसी आईफोन की, जो पता तो आप सबको है ही कैसी है। अब जौन सी मैं वीडियो शूट करूंगा, जो भी वीडियोस आएंगी सिनेमैटिक वीडियो मैं इससे शूट करने वाला हूं और व्लॉगिंग मैं इससे करूंगा। और हाईली रिकमेंड है अगर आप व्लॉग्स करना चाहते हो या सिनेमैटिक वीडियो बनाना चाहते हो, फिल्म भी शूट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। बहुत ही कमाल का डिवाइस है। सो ये अगर छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।